अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग विजन टिप्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और दोस्तों मैं कबूतर खोलने ऊपर आया हूं। दोस्तों मैं जैसे छत के ऊपर गया वैसे मैंने एक चीज़ देखा, तो आपको दिखाना चाहता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों आपको मैं ऊपर चढ़ के बताऊंगा कि मैंने क्या दिखा। दोस्तों आप भी देख के एकदम खुश हो जाएंगे। दोस्तों आगे हम छत के ऊपर में, दोस्तों बस मैं ऐसे आया था और आके देखिए मैंने क्या देखा। दोस्तों सारे कबूतर हैं अपने बंद, देखिए आप। और पेठी को दोस्तों मैंने कवर करके रखा हूँ क्योंकि कल रात को दोस्तों एकदम तेज़ बारिश आई थी। वैसे भी आपको मालूम बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और पेठी को कवर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये देखिए आप, ये वो मादी है जो दोस्तों हमारी भाग गई थी बच्चे पालते हुए। और दोस्तों आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही मुझे एकदम। दोस्तों एक दिन के बाद कबूतरी वापिस आई। दोस्तों मगर इसके कुछ पंख मुझे बराबर नहीं लग रहे, तो पकड़ के भी इसका शौक कराऊंगा आपको मैं। ये देखिए आप, पूरे कबूतर है अपने बंद, पेठी पूरी एकदम कवर है अपनी। दोस्तों कबूतर खोलने ऊपर आया था मैं छत पे, सुबह का टाइम है अभी। अब दोस्तों मालूम नहीं कब आके बैठी कबूतरी है। देखिए आप पूरे कबूतर बंद है मेरे, ऐसा कुछ मौसम है। दोस्तों मस्त धूप निकली एकदम और कबूतरी वापस आ चुकी है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही मुझे। दोस्तों मालूम नहीं कहाँ से आई, कैसी आई, बट जैसी मैं आया छत के ऊपर में वैसी दोस्तों मुझे नीचे बैठी हुई दिखी। तो दोस्तों वफादार कबूतरी निकली एकदम ये। और ये कबूतरी कैसी दोस्तों, इस बिल्डिंग के पीछे साइड में। और दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी और हमने शाम में कबूतर बंद कर दिए थे, जैसे कि मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया था। और दोस्तों ये मादी के पास में एक बच्चा था, तो बच्चा भी आपको दिखा दूंगा। ये देखिए आप, पूरे दोस्तों एक दिन के बाद कबूतर वापिस आया घर पे। मगर दोस्तों जो इसके पंख है ना मुझे कुछ बराबर नहीं लग रहे, पहले मैं उसको पकड़ लूंगा दोस्तों, फिर मैं आपको इसके पंख बताऊंगा। लगता है दाना पानी भी दोस्तों इसके पेट में होगा नहीं, पानी तो मिल गया होगा इसको मगर दाने का मालूम नहीं। दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत कबूतरी एकदम लंबी चौड़ी एकदम। मुझे ये साइड के इसके पंख बराबर नहीं लग रहे, शायद आप भाई को दिख रहे होंगे। तो एक काम करते अभी हम अपने पूरे कबूतर खोलते हैं, और कबूतर खोलने के बाद इस कबूतर को दोस्तों हम पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद इसके आपको पर का शौक कराऊंगा क्योंकि मुझे पर में डाउट लग रहा है। दोस्तों देखिए आप, अभी कबूतर खोल ही रहा था मैं और कबूतरी फिर से बिल्डिंग के ऊपर आगे बढ़ गई। दोस्तों इसका दिमाग ख़राब हो रहा है आपको क्या बताऊँ मैं। दोस्तों थोड़ी देर पहले खुशी हो रही थी एकदम कबूतरी वापिस आ गई, मगर जैसे दोस्तों मैंने पेठी के कवर हटाए, देखिए आप ये पेठी कवर हटाया मैंने, तो कबूतरी जाके बैठी बिल्डिंग के ऊपर में। दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा मुझे अब, तो जल्दी से कबूतर खोलते अपने वाले। दोस्तों कबूतर खोल लिया हमने, देखिए आप। और जैसे कि आपको मालूम है हमने कबूतर की डिवॉर्मिंग करे, तो कबूतर के बेड से कीड़े निकले, तो ध्यान चाहता आपको मैं। देखिए दोस्तों आप, और मैंने पूरी छत की साफ सफाई करा हूँ। दोस्तों बहुत सारे कीड़े निकले थे और जो कबूतरी दोस्तों भाग के आई थी वापिस, अभी वो बिल्डिंग के ऊपर बैठी सामने के। ये देखिए दोस्तों आप, ये बैठी सामने में कबूतर। दोस्तों अपने पूरे भूखे हैं, लॉफ्ट के कबूतर खोलने का हो और पानी के टाके में पानी भरने का हो, तो इतना सब काम करता दोस्तों मैं, फिर आपको बताता कबूतरी आई है कि नहीं आई है। दोस्तों देखिए आप, पूरे कबूतर खोले अपने और कबूतर को बहुत जम के भूख लगी, और ये बैठी हो कबूतरी। कबूतर को बहुत जम के भूख लगी दोस्तों, क्योंकि कल कबूतर ने दाना खाया नहीं था इतना जितना उन्हें खाने को होना। और सामने में बैठी कबूतरी, अब दोस्तों मालूम नहीं क्या होता है। दोस्तों अभी कबूतर बाजू में चरने गए ये साइड में, और ये जो कबूतरी बैठी बिल्डिंग के ऊपर में, ये कबूतरी दोस्तों अपने घर की तरफ ही वह देख रही है। दोस्तों कबूतर को सिर्फ एक डब्बा दाना डाला मैंने सिर्फ अभी, अब देखना दोस्तों ये है कबूतर आती है। वैसे दोस्तों देखिए, आज सुबह कबूतरी खुद से आगे बढ़ी छत के ऊपर में, और जैसे ही मैंने कबूतर खोला, ये उड़ी देखिए, ये उड़ी, ये। दोस्तों कुछ भी नहीं करूँगा इस बार मैं, क्योंकि इसके पहले मैं उसको छेड़ लगा रहा था। ये देखिए आप, ये उड़ रही है। उसको दोस्तों कबूतर का खेल नहीं दिख पा रहा अपना, तो अपन क्या कर सकते।
ये निकली है, ये आ रही देखिए, ये कबूतरी है। हाँ दोस्तों दिमाग घूम गया इसका लगता। दोस्तों मैं चल जाता नीचे क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा। दोस्तों आ गया रूम में मैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी कबूतरी मैंने देखा नहीं। उसको दोस्तों जब कबूतर खुले दिख रहे छत के ऊपर में, जब दोस्तों आके नहीं बैठ रही, और जब कबूतर बंद दिख रहे जब आके बैठ रही, और दोस्तों जैसे ही मैं कबूतर खोल रहा वैसे छत के ऊपर से उड़ जा रही। तो दोस्तों मैंने ये सोचा वो भी कि अभी मैं रूम में रहता और देखते दोस्तों कबूतरी खुद से आके बैठती है कि नहीं बैठती है। क्योंकि मैं ऊपर रहूँगा ना दोस्तों तो मेरा और ज़्यादा दिमाग खराब होगा, क्योंकि मैं सोचूंगा दोस्तों कबूतर घर के ऊपर आ रही मगर पर छोड़ रही और कहीं और जाके बैठ रही। तो इसलिए दोस्तों मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी हम रूम में रहेंगे और थोड़ी देर के बाद जाके देखें। दोस्तों इसलिए मैं रूम में था, अभी देखिए आप वो कबूतरी कहाँ पे जाके बैठी है। ये देखिए दोस्तों आप, पहले यहाँ पे बैठी थी टंकी के पास में और अभी देखिए यहाँ पे बैठी है। दोस्तों क्या बोलना है ऐसे कबूतर को आप, जो दोस्तों कबूतर का खेल देखने के बाद घर के ऊपर नहीं बैठ रहा है। ये बैठी ऊपर में, कबूतर पूरे खुले नहीं देता मैं और कुछ भी नहीं करता, बस कबूतर खुले छोड़ देता। दोस्तों परेशान कर दिया यार इसने। देखिए मैंने जो पीढ़ियों के कवर थे इसको भी बराबर घड़ी करके रखा नहीं, बस कैसी भी रख दिया। ये देखिए आप, देखते क्या होता है। दोस्तों फिर से उड़ने की तैयारी में मादी, आप भी सोच रहे होंगे क्या कबूतर है आ रही है, फिर से उड़ने की तैयारी में है और पीछे में कबूतर उड़ रहे हैं हमारे दोस्त के। ये देखिए आप, तो एक काम करते कबूतर खोल के हम नीचे के रूम में जाके बढ़ जाते, कबूतर बाजू में गए ऐसे तो। ये देखिए कबूतर उड़ रहा अपना चीना, सब कबूतर इधर से उधर मस्ती में, शायद इसको देख के कबूतर बढ़ जाए। ये देखिए आप, ये उड़ा अपना कर रहा, ये चीना उड़ रहा है, कबूतरी देख तो इधर रही है। दोस्तों इतना परेशान करने के बाद फाइनली कबूतरी छत के ऊपर आके बैठ चुकी है। दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हुआ मैं, तो आपको दिखाता भी मादी को मैं। दोस्तों मैंने क्या करा, कबूतर पूरे खुले छोड़ दिया और मादी बैठी थी सामने की बिल्डिंग के ऊपर में और मैं रूम में जाके बैठ गया। दोस्तों मुझे अब ऐसा लग नहीं रहा था कबूतरी वापिस आएंगी, मगर दोस्तों मैंने सोचा कि जब कबूतरी दोस्तों एक दिन रुक के दूसरे दिन छत के ऊपर आके बैठ सकती है बिना कबूतरों में, तो पूरे कबूतर खोल के क्यों नहीं आ सकती। तो दोस्तों फाइनली कबूतरी आके बैठी है और दोस्तों मैं ऊपर आया और वैसे आपको बताया एकदम, और देखिए आप कबूतरी नीचे जा रही एकदम मस्ती में। उसको दोस्तों किसी बात की टेंशन नहीं है, क्या उसका मालक परेशान हो रहा होगा या उसका बच्चा परेशान हो रहा होगा कबूतर का। दोस्तों मस्त घूम फिर के आ गई और अभी आराम से बैठी है, दिखाता आपको। ये लीजिए जनाब, ये है मादी, करिए शौक क्या कबूतरी है। पूरा एक दिन बाहर रहने के बाद दूसरे दिन घर के ऊपर आई और जैसे ही मैंने कबूतर खोलने की कोशिश करा वैसे बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठी है वाले। फिर दोस्तों मैं नीचे जाके बैठ गया, फिर दोस्तों कबूतरी आई तो उसके पर में दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा, तो पर दिखाता पहले आपको मैं। ऐसा लग रहा पर इसके किसी ने उखाड़ा या मतलब पर इसको किसी ने पकड़ने की कोशिश करा बिल्डिंग के ऊपर जाके। जो भी देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसके साथ क्या हुआ होगा, जो उसके पर की ऐसी कंडीशन हुई। तो दिखाता हूँ दोस्तों अभी आपको मैं। दोस्तों दाना पानी कुछ भी नहीं कबूतर के पेट में, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर के पर देखिए आप एकदम मस्त पर दिख रहे इसके, ठीक है। मगर दोस्तों ये साइड के पर है, आप खुद देख के समझ गए होंगे इसके इधर के पर में क्या कमी है। दोस्तों जो इधर के बगल के पर है, ये बगल के पर कम है और ये पर देखिए आप एकदम टूट गए इधर के दो पर। ये देखिए इधर के दो पर इसके टूट गए और बगल के पर इसके कम है। दोस्तों धूम भी दिखा देता आपको मैं, ये देखिए आप ये इसकी धूम है। दोस्तों धूम में मुझे किसी बात की कमी नहीं लग रही, बस एक साइड के जो पर है ना इसके वो पर में थोड़ी मुझे पॉड लग रहा। तो एक काम करते
जितने भी इसके पर टूटे हुए हैं इसको हम घिस डालते, देखिए आप ये पर वैसे भी कोई काम का नहीं है। तो दोस्तों इसको मैं निकाल लूँगा। तो दोस्तों देखिए आपने आज इस कबूतरी ने कितना ज़्यादा परेशान करी, आज भी करी और कल भी करी थी। अभी दोस्तों कबूतर को दाना डालने का उम्मीद, बस एक ही डब्बा दाना डाला था और ऐसा कुछ मौसम है लगता है फिर से पानी आने वाला है। तो दोस्तों कबूतर को खोल के मैं बंद कर दूँगा अच्छे से एकदम। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी तक क्या आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दे दूँगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।